हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आशु फार्मेसी पर। आज हम डिस्कस करेंगे ईपी स्टैक्सिस, जिसको हम नोज ब्लीड भी बोलते हैं और हिंदी में इसको हम नकसीर भी बोलते हैं, मतलब सिंपल भाषा में कि नाक से खून बहना। ठीक, तो इसकी सारी जानकारी मैं लेकर के आया हूँ, इसका काज और इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या फिर हम घरेलू उपचार इसका हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहें, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि ईपी स्टैक्सिस का काज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ईपी स्टैक्सिस का काज जो होता है, अभी मान लीजिए नाक में आपके जो है फुंसी हो गई है, जो छोटी सी फुंसी होती है उसके कारण भी जो है कभी कभी फुंसी क्या होता है, वो फूट जाता है, जिससे वो ब्लीडिंग होने लगती है। और या तो कोई इन्फेक्शन हो वहाँ पे नाक में आपके, कोई इन्फेक्शन हो या फिर काफ़ी लंबे दिनों से आपको जो है जुकाम का प्रॉब्लम हो। ठीक, मतलब नाक से आपके पानी बह रहा हो, जुकाम का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी जो है नोज ब्लीड हो सकती है। क्योंकि नोज के अंदर की इंटरनल जो वाल होती हैं, जो वहाँ के सेल होते हैं, वो वहाँ की जो कैपिलरी होती है, हमारी कैपिलरी बहुत ही महीन कैपिलरी होती है और उसके ऊपर का आवरण बहुत पतला होता है, तो वहाँ पे बीपी बढ़ जाने से जो है वहाँ पे ब्लीडिंग आसानी से हो जाती है, जिससे नोज ब्लीड भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें घबराने की बात नहीं है, अगर नोज ब्लीड हो रहा हो तो आप तुरंत जो है, अगर आपके घर में नींबू पड़ा है, ताज़ा नींबू है, उस नींबू के रस को आप निकालेंगे और दो दो बूंद जो है दोनों नाक में डालेंगे। ठीक, आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी तुरंत। ठीक, और दूसरा जो हमारा आयुर्वेदिक नुस्खा है वो है, अगर धनिए का पत्ता है उसका रस आप निकाल लेंगे और दो दो बूंद वो भी दोनों नाक में आप डालेंगे। ठीक, और अगर आड़ू तेल आपके घर में पड़ा है, जो पतंजलि का आड़ू तेल आता है, तो दोनों नाक में वो भी डाला जाता है, छः छः बूंद जो है उसको डालना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।